सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे को मैं ये बताऊंगा कि अगर सीबीएसई फ्यूचर के अंदर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो किस तरीके से करवा सकती है। गाइज इस वीडियो में आपको जो आइडियाज बता रहा हूँ वो सारे आइडियाज जो इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है उन्होंने ये आइडियाज यूज किए बोर्ड एग्जाम या फिर स्कूल के एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और गाइज वीडियो स्टार्ट कर मैं आप सभी को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों आजकल स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद है और आपको हो रही पढ़ाई में दिक्कत, आपके डॉट क्लियर करने वाला कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, डॉटनेट ऐप है ना, क्योंकि डॉटनेट में अब आपके सभी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के डाउट्स का होगा सफाया। बस आपको अपने क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करना है, उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है और डॉटनेट ऐप पर भेज देना है। तुरंत ही आपको 2 से 3 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। वो भी क्लास 6 से लेकर 12 नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस तक के लेवल तक का डॉट्स का सोल्यूशन मिलेगा, वो भी एकदम फ्री। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए और डॉटनेट को डाउनलोड करिए, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती है लॉकडाउन ओवर होने के बाद में तो वो मेन चीज ध्यान रखेगी सोशल डिस्टेंसिंग का। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वो प्लेग्राउंड्स के अंदर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। ये आइडिया साउथ कोरिया ने अभी पिछले मंथ यूज किया था बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, और साथ में यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं उनके भी एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराए थे इसी आइडिया को देखते हुए। इस आइडिया के अंदर उन्होंने क्या किया था, जो स्कूल के प्लेग्राउंड होते हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स को एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। इसी तरीके से एक ऑस्ट्रिया कंट्री, उन्होंने भी एग्जाम कंडक्ट कराए थे, जो स्कूल के अंदर एग्जाम होते वो कंडक्ट कराए थे, बट उन्होंने प्लेग्राउंड में कंडक्ट नहीं कराए, उन्होंने स्कूल के अंदर ही कंडक्ट कराए थे क्लासरूम्स के अंदर। बट जब स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट एंटर होता उससे पहले उनकी स्क्रीनिंग होती थी, जिससे पहले चेक कर लेते थे कि स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव है या नहीं है। ये आइडिया बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने भी ये आइडिया फॉलो किया, और भी कुछ कंट्रीज ने भी इस टाइप की आइडियाज फॉलो किए थे। कुछ कंट्रीज ने ये किया था कि कोई भी स्टूडेंट अगर स्कूल के अंदर एंटर होगा एग्जाम देने के लिए तो उस स्कूल के अंदर पूरे स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट एंटर हो रहा है उसको पहले सैनिटाइज कराया जाएगा, फुल बॉडी सैनिटाइज होगा वो। कई सारी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाए, कई सारी कंट्रीज के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुए है। ऐसा नहीं कि इंडिया की तरह हर जगह लॉकडाउन हुआ है, कई जगह लॉकडाउन पहले हो चुका है और कई जगह अभी लॉकडाउन चल रहा है। कई कंट्रीज ऐसी भी जिन्होंने डायरेक्ट प्रमोट किया स्टूडेंट को, और कई कंट्रीज ऐसी जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाए है। तो गाइज अब ये तो बात हो गई कि सीबीएसई कैसे एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, अब गाइज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि अगर सीबीएसई ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराती है तो क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो गाइज पहली प्रॉब्लम तो सीबीएसई को यही होगी कि उसको इनफ रिसोर्स नहीं मिलेगी। इनफ रिसोर्स का मतलब गाइज जैसे कई कंट्रीज के अंदर फुल बॉडी सैनिटाइज करने के लिए मशीन्स का यूज़ किया गया है, तो इस तरीके की मशीन्स हर एक स्कूल के अंदर अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात गाइज इस तरीके की मशीन कॉस्टली बहुत होती है, तो हर एक स्कूल के पास इतना बजट नहीं है कि वो इस तरीके की मशीन को अफोर्ड कर पाए। सेम इसी तरीके से सीबीएसई का एक दूसरा मेथड भी है कि वो प्लेग्राउंड्स के अंदर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है गाइज, लेकिन अगर किसी एक स्टूडेंट ने भी गलती कर दी या फिर एक स्टूडेंट भी केयरलेस होकर सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ता है तो सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। देखो गाइज जिन कंट्रीज ने बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, जिन भी कंट्रीज ने कराए उनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे या फिर आप कहीं भी चेक करोगे तो हर जगह थोड़ी बहुत गलतियों के कारण बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई है। इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट इस तरीके से सीबीएसई करवा सकती है, बट क्या पता अगर सीबीएसई इन आइडियाज़ के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा ले। अब वो सीबीएसई पे डिपेंड है कि क्या वो एक्शन लेती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है या फिर डायरेक्ट प्रमोट करती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आप ये भी कमेंट करके बताना कि ये जो 3-4 आइडियाज़ दूसरी कंट्रीज ने फॉलो किए उनमें से आपको कौन सा आइडिया सही लगता है। और ये भी कमेंट करके बताना कि सीबीएसई को ऐसे आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में इतने, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी है, आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ बातें सही कही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सारे फ्रेंड्स से शेयर करना जिससे उनको भी इस तरीके की बातें पता लग सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी ध्यान रखो, लाइफ एंजॉय करो।